हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी। आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे। आपने एक तो एग्ज़ाम का नाम सुना ही होगा, जिसका नाम है जेई मेन, जिसके अंदर जो है ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम जो है जेई के थ्रू लेते हैं। लेकिन इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो जेई को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि यार ये जेई वाले बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं, तो जो है वो अपना यूनिक खुद का एग्ज़ाम लेते हैं। आज अपन जो है उस एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे, उन इंस्टीट्यूट के बारे में चर्चा करेंगे जो उनका एग्ज़ाम यूनिक होता है और जेई मेन का बाप होता है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जेई मेन के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसको आप अच्छी तरीके से फोड़ सकते हो। तो यार 10 से 12 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कंप्लीट के अंदर चर्चा करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट नंबर पर पेश करते हैं हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो है बिट सेट का, BITSAT। आप उसको यार एक पेपर या पेज पे भी लिख सकते हैं। बिट सेट, जिसके अंदर 3 कॉलेजेस आते हैं, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद। जिसके अंदर इसका मेन कैंपस है बिट्स पिलानी, इसका बिट एक और कैंपस है बिट्स दुबई के अंदर, जो कि इंटरनेशनल है और जो कि हमारे जो राजस्थान के जो स्पेशली बिरला फैमिली है उन्होंने ये स्टार्ट किया था, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और राजस्थान के अंदर अगर ऑल ओवर अगर इंडिया के अंदर अगर अपन मैं बात करूँ तो आप बिट्स पिलानी को जो है टॉप के IIT से भी कंपेयर कर सकते हो और टॉप के NIT से भी कंपेयर कर सकते हो, चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे वो फैसिलिटीज हो, कुछ भी हो, बिट्स पिलानी इज ए यूनिक। और अगर तुम्हें अगर CSIT या फिर AE में अगर कुछ मिल गया तो भाई साहब तुम्हारे मौज हो गई है, ठीक है। तो जो है AE मतलब AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका फ्यूचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। चाहे तुम्हारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब चली जाए लेकिन AI की जॉब कभी नहीं जा पाएगी। आप AI पे भी थोड़ा फोकस कर सकते हो। तो जो आप बीट सेट का एग्ज़ाम जरूर दें, आई फुली रिकमेंडेड यू कि आप बीट सेट का जरूर से एग्ज़ाम दें। देन जो हम पेश करते हैं वो है हमारा कॉमेडेक एग्ज़ाम, जो कि कर्नाटका वगैरह के लिए होता है। आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, कॉमेडेक एग्ज़ाम, दिस इज़ रियली लाइक यूनिक। देन अपन पेश करते हैं WBJEE, ठीक है, वेस्ट बंगाल JEE एग्ज़ाम। इसके अंदर और ज़्यादा तो इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन जो 2-3 ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने जो है पूरी IITs, NIT, GFTI, प्राइवेट कॉलेजों सब के अंदर आग लगा के रख दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो कि बाप कॉलेज है इंडिया का। जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप लोगों ने सभी सुना होगा, ठीक है। 20,000 के अंदर आपकी जो है पूरी BTEC हो जाती है, लेकिन उसका जैसा नॉलेज है आप KIIT वेलो और SRM के अंदर लाखों करोड़ों रुपए भी दे देना तो वैसा नॉलेज आपको, वैसी एजुकेशन, वैसा प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा। CS का अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट बात करूं तो 21 से 22 लाख रुपए। जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पर सर्च करना, आई थिंक आपको पहले अमर तलवार भैया का वीडियो मिलेगा, बाप कॉलेज इन द इंडिया, जादवपुर यूनिवर्सिटी। और भी उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, WBJEE, आप आई फुली रिकमेंडेड हूँ, आप उसका एग्जाम तो जरूर ही दे, किसी भी हाल में उसका एग्जाम जरूर दे, कॉमेटेक का भी एग्जाम दे। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कालीगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यार मैं रैंकिंग वाइज नहीं बता रहा हूँ, रेंडमली बता रहा हूँ, आप इसको या ना ले कि ये 3 नंबर पर आता है। मैं जो एग्ज़ाम बता रहा हूँ दिस इज रियली यूनिक एग्ज़ाम और आपको टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मतलब मिल पाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से तो बहुत ऊपर है ये। सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत नीचे हैं आजकल। DU जामिया से तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो आप KIIT कालीगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है शायद, जो कि भुवनेश्वर के अंदर है, तो आप उसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आपकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी हाई होनी चाहिए बिकॉज जो है लेकिन हाँ, अगर आपके जो है स्कॉलरशिप आपको तभी मिल पाएगा जब आपकी बहुत अच्छी रैंक अगर आती है तो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। छोटे छोटे अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जो है वहाँ पे जो एडमिशन लेते हो तो तकरीबन मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो 17 से लेकर 18 लाख रुपए तक आपके 4 साल के लग जाएंगे। देन मैं बात करता हूँ SRM JEE। SRM इज रियली मतलब प्राइवेट कॉलेजों के अंदर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। देन बात करते हैं मणिपाल। मणिपाल के बहुत सारे कैंपस हो चुके हैं अभी, इंटरनेशनल भी कैंपस है, मणिपाल भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप उसको भी टारगेट कर सकते हो, मणिपाल इज रियली नाइस।
देन हम बात करते हैं यार, अभी जो है वेल्लोर इंस्टीट्यूट इज, मुझे मतलब उसके जैसे कि ये बुल्ली भाई एप वगैरह जो है सेकंड ईयर के बंदे ने बनाया था, मतलब क्या एजुकेशन देते हैं भाई ये, मतलब कमाल के हैं, मतलब ये बनाए, दिस इज रियली रॉन्ग, लेकिन बच्चे के पास नॉलेज तो है ना, बना तो रहा है कुछ ना कुछ, ये आई नॉट सपोर्ट यू कि उसने भी ऐप बनाया, अच्छा नहीं किया, यूनिवर्सिटी ने उसे निकाल भी दिया, लेकिन वेल्लोर के मैंने और भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं, ओके प्राइवेट जो कॉलेज वाले बच्चे हैं वो रिज्यूमे तक नहीं बना पाते हैं, कोडिंग तो दूर, लेकिन जो है ये लोग जो है सेकेंड ईयर के अंदर ऐप बना देते हैं और वर्ल्ड क्लास ऐप बना देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा। तो आप वेल्लोर को भी जरूर टारगेट करें, रियली नाइस इंस्टीट्यूट है, ओके, और एजुकेशन बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत ही तगड़ा मिलता है उसको, ओके। देन आगे अपन बात करते हैं, तो उसके बाद में आप जो है TNEE का एग्ज़ाम टारगेट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई के अंदर है, जहाँ से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी BTech की थी, रियली नाइस इंस्टीट्यूट, वहाँ का मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ओके। देन उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे रिसर्च वाले जो यूनिक इंस्टीट्यूट है यार, ये तो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम थे, अब जो है यूनिक इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे देश के अंदर 7 आईसर है, IISER, जो सबका जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं, और जो है आईसर आप टारगेट कर सकते हो, IISER, उसके अंदर एडमिशन लेने के 3 तरीके हैं, JEE एडवांस, KVPY और जो है आपका IAT टेस्ट, आपके लिए अगर आपने JEE एडवांस तो JEE दोगे तभी होगा ना, KVPY आई थिंक आपको पता नहीं होगा तो आपने दिया नहीं होगा, फिर आपके पास बचा है IAT टेस्ट यानी कि आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके लिए आप इसी तभी एलिजिबल है जब आप जो है 12th के अंदर एटलीस्ट 80 से 85% अगर आप ले आते हैं, तो वहाँ पे जो है आईसर की वेबसाइट पे हर स्टेट के लिए जो है कट ऑफ रिलीज किया जाता है कि इस स्टेट के लिए वहाँ पे IAT टेस्ट देने का कट ऑफ ये है, तो आप वो जो है कट ऑफ पार कर लेते हैं तो आप IAT टेस्ट दे सकते हैं, फिर आप टेक्स्ट के मार्क्स के बेसिस पे आईसर में एडमिशन ले सकते हैं, ओके। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एप्लीकेशन NEXT, ये सारे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चलते हैं, जिसके अंदर 2 इंस्टीट्यूट आता है, NISER भुवनेश्वर और CEBS मुंबई, जो कि दोनों इंस्टीट्यूट जो है भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंडर के अंदर चलते हैं, जहाँ पे स्पेशली एटॉमिक एनर्जी एंड रिसर्च एंड R&D पे डेवलपमेंट के काम चलता है, ओके। फिर अपन बात करते हैं ISI इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट, जो कि इसके भी बहुत सारे कैंपस है, जैसे स्पेशली जो कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है, रियली नाइस, जो भी मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट है अभी जो बता रहा हूँ मैं, ओके। देन आप टारगेट कर सकते हो CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, वाइस साहब लाजवाब है, ओके। देन अगर अपन बात करें तो ISES, ओके, एंड जो है KVPY तो आपने नहीं दिया होगा शायद, दिया तो अच्छी बात है, और एक दो और एप्लीकेशन आपको अगर मैं बताऊं तो, वन सेकेंड, एक टॉप इंस्टीट्यूट यार थापर कैसे छूट सकता है, ठीक है, थापर जो है पटियाला इंडिया की रॉयल सिटी पटियाला के अंदर है, ओके, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन फीस थोड़ी ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, ओके। सो और जो है आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कुछ यूनिक इंस्टीट्यूट आपको मैं थोड़े और बता देता हूँ, ओके। सॉरी, आप मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए भी टारगेट कर सकते हो, जिसके अंदर जो है वहाँ का जो कौन सा ST टॉपर कौन सा यूनिवर्सिटी है, सतवीर वाला, जिससे हमारे देश के जैसे महात्मा गांधी जी है, मुकेश अंबानी जी है, टाटा जी है, बाल गंगाधर तिलक सर है, टोटली मतलब इंडिया के सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जितने भी बच्चे थे सारे के सारे बच्चे वहाँ पे पढ़े थे, तो आप सोच सकते हो मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में भी। देन अगर मैं बात करूँ तो आप IPO सेट का भी एग्ज़ाम लगता है, उसको भी देख सकते हो, जिसके अंदर दिल्ली के जो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी एडमिशन मिलता है, ओके। देन उसके बाद में एक UPSCET वाला भी लगता है एग्ज़ाम, देन आई थिंक उसको तो अभी शायद JEE के बेसिस पे दे रहा होगा अभी वो। देन जो मैं बात करूँ, मैंने आपको बता दिया होगा ISI के बारे में, तो देन जो है IISC बेंगलोर, इसका KVPY के थ्रू लेता है और JEE मेन के थ्रू भी लेता है। देन है NISER, जिसके बारे में आपको बता दिया मैंने, एक CEBS है, एक जो आईसर है, ओके, और
ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे तो आई थिंक अभी तक इतने ही याद है। तो और भी कोई अच्छा अगर इंस्टीट्यूट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके ऊपर भी आपको एक डिटेल्ड केस स्टडी बनाऊंगा। और इन भी इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपको कोई प्लेसमेंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और अपने छोटों को प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू।